हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई का कार्य अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम प्रवेश अध्ययन में कक्षा 3 का पाठ 6 पढ़ेंगे और ये पाठ बड़ा ही मज़ेदार है। इसको पढ़ने से हमें नई और रोचक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ चित्र देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? सही पहचाना, ये एक शादी समारोह का चित्र है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, शादी, जन्मदिन या अन्य किसी समारोह में जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आते हैं, वहाँ पर ढेर सारा खाना बनता है। और जब खाना अधिक मात्रा में बनाया जाता है तो उस खाने को बनाने के लिए बड़े बड़े और भारी बर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप ऊपर वाले चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर भोजन को पकाने के लिए बड़े बड़े पतीलों का प्रयोग किया जा रहा है। इन पतीलों में सब्जी बनाई जा रही है और कुछ तलकर नाश्ता रखा जा रहा है। नीचे वाले दाईं तरफ वाले चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ तलने वाले भोज्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। और बाईं तरफ वाले चित्र में देखिए बच्चों, इसे कहते हैं पंडाल। ये आपने शादी आदि में जरूर देखा होगा, जहाँ पर मेहमानों को बिठाने की व्यवस्था की जाती है और पंडाल को सुंदर झालरों, आकर्षक फूलों से सजाया जाता है और बैठने के लिए सुंदर कुर्सियां और मेज की व्यवस्था की जाती है, जहां पर बैठकर मेहमान समारोह का पूरा आनंद लेते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ भी भोजन पकाने वाले, भोजन परोसने वाले और भोजन खाने वाले बर्तनों के विषय में ही है, जिसका नाम है किस पर पकाएं, किस में खाएं। तो चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको शादी, जन्मदिन या किसी समारोह में जाना कैसा लगता है? भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वहां पर जाकर हम अपने बहुत सारे मित्रों से मिल पाते हैं। अभी हाल ही में मुझे एक ऐसे समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पर मेरी एक सहेली मीरा भी अपने परिवार के साथ आई थी। वहाँ पर हमने बहुत मज़ा किया और तरह तरह के अपने पसंदीदा पकवान खाए। मीरा के साथ उसकी बेटी हिना और उनकी माताजी भी थी, परंतु हिना ने तो कुछ नहीं खाया। जब मैंने मीरा से इसका कारण पूछा तो मीरा ने बताया कि हिना अभी 4 महीने की है और वो केवल दूध पीती है। जब वो 6 महीने की हो जाएगी तो वो कुछ ठोस भोजन खा पाएगी। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत नहीं होते और वो कुछ ऐसा भोजन नहीं खाते जैसा हम सब खाते हैं। वो प्राय क्या पीते हैं? दूध पीते हैं और 6 माह के बाद वो दलिया, खिचड़ी आदि खा सकते हैं। मीरा के साथ उनकी माताजी भी थी। माताजी ने भी कुछ ज़्यादा भोजन नहीं खाया। तो मैंने माताजी से जब पूछा तो उन्होंने इसका कारण बताया कि उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है, इसलिए वो ज़्यादा चलने फिरने का कार्य नहीं करती और ना ही ज़्यादा काम कर पाती हैं, इसलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता कम होती है। तो बच्चों, हमने माताजी से बात की और हमने ये जाना कि जब हमारी आयु वृद्धावस्था में आ जाती है तो हम अधिक भोजन नहीं खा पाते और प्राय ऐसा भोजन खाते हैं जो आसानी से पच जाता है। बच्चों, हमें अपनी आयु के और अपने कार्य के अनुसार ही भोजन खाना चाहिए। उस भोजन में हमें सारे पौष्टिक तत्व लेने चाहिए और पौष्टिक आहार खाने से ही हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे पौष्टिक आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए? सभी प्रकार के अनाज, दालें, सब्जियां, फल,
और दूध और दही से बने हुए पदार्थ, ये सारे पदार्थ जो है शक्तिवर्धक होते हैं और इनसे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ थाली में आप एक पौष्टिक आहार देख पा रहे हैं जो एक संपूर्ण आहार है। हमें इसी प्रकार का भोजन करना चाहिए ताकि हमारे कार्य करने की क्षमता बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने आहार में सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज लवणों को शामिल करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। यदि हमारे आहार में सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण नहीं होंगे तो क्या होगा? तो बच्चों, हमारा आहार संपूर्ण नहीं होगा और हम कमजोर और बीमार हो जाएंगे और हमारे कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए हमें एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। अच्छा बच्चों, जो ये खाना हम हर रोज खाते हैं, उसमें हम कई तरह के खाद्य पदार्थों को खाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं। तो क्या आप जानते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ कौन-कौन से हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं? तो चलिए देखते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों को। हाँ बच्चों, कच्चा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में जैसे गाजर, मूली, शलगम और बहुत सारे फल जैसे सेब, संतरा, अनार, केला, पपीता, अंगूर, जामुन, आम, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं। और बहुत सारी सब्जियों को भी हम सलाद के रूप में कच्चा प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कच्चे खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को या फल और सब्जियों को हमेशा खाने से पहले अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए, जिससे उनके ऊपर लगे कीटाणु और मिट्टी को साफ किया जा सके ताकि वो हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये तो बात हुई कच्चे पदार्थों की। अब हम बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं, जानते हैं? तो चलिए देखिए। ऐसे खाद्य पदार्थों में सबसे पहले आते हैं अनाज। अनाज में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन अनाजों को हम पकाकर प्रयोग करते हैं। लेकिन पकाने से पहले हम इनका आटा बनाते हैं और आटा बना के इनको रोटी के रूप में सेक कर खाया जाता है। दूसरी प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं दालें। अनेक प्रकार की दालें आपने देखी होंगी जो घर पे बनाई जाती हैं। उन सभी दालों को उड़द, राजमा, मसूर, मूंग और अरहर आदि दालों को हम पकाकर खाते हैं। इनको पकाकर क्यों खाया जाता है? बच्चों, इन अनाजों को और दालों को हम पकाकर इसलिए खाते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से पचा सकें। अगर हम इन्हें कच्चा ही खाएंगे तो ये पाचन में नुकसान करेंगे, इसलिए हमेशा इनको पकाकर ही खाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं सब्जी के रूप में, और उन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं। समझिए आप कि कौन कौन सी चीजें हमें पकाकर खानी है और कौन कौन सी चीजें हम कच्ची खा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम दोनों तरह से खा सकते हैं, पकाकर भी और कच्चा भी। जैसे अभी हमने जाना गाजर, मूली, शलगम और फलों को हम सलाद के रूप में या ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं और सब्जियों को हम पकाकर खाते हैं। लेकिन जैसे गाजर है, मूली है, इसको कच्चा खाने के साथ साथ हम इसको पकाकर सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। समझे बच्चों? तो बच्चों, देखा कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम अलग-अलग तरीकों से खा सकते हैं और इनके पौष्टिक गुणों को हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को
शक्ति मिलती है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो क्या बच्चों, जो पदार्थ हम पकाकर खाते हैं उनको हम सीधा ही पका लेते हैं? पकाने के लिए हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही, हम इनको आग पर पकाते हैं। तो क्या इन खाद्य पदार्थों को हम सीधा आग पर ही पका सकते हैं? नहीं, इन खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए विशेष प्रकार के बर्तनों की आवश्यकता होती है। खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो आपने अपनी रसोई में भी देखे होंगे, तो इन विशेष बर्तनों के साथ ही खाना बनाया जाता है। तो क्या आप इन विशेष बर्तनों को पहचानते हैं? तो चलिए एक पहेली के माध्यम से हम इन बर्तनों को पहचानते हैं। यहाँ कुछ पहेलियाँ हैं बच्चों, और पहेलियों में ही बर्तनों के नाम छिपे हुए हैं। आपने पहेलियों को ध्यान से सुनना है और उस बर्तन को पहचानना है। गोल गोल लोहे की बनाई, दोनों कान लिए गोलाई, कान पकड़कर मुझे उठाओ, हलवा पूरी सब बनवाओ। पहचानो ये कौन है? हाँ बच्चों, आपने सही पहचाना, ये है कढ़ाई। कढ़ाई का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कढ़ाई में हम क्या क्या बना सकते हैं? कढ़ाई में हम हलवा पूरी सब्जी और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोल है बच्चों मेरा घेरा, गोल गोल है छेद अनेक, हाथ हिलाने से मैं हिलता, चावल गेहूं छटता देख। मुझे पहचानो मैं हूं कौन? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं छलनी। छलनी का प्रयोग बच्चों अनाज आदि को छानने के लिए किया जाता है, जिसमें अनाज में मिले हुए कंकर पत्थर उनसे अलग हो जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैं ठहरा छलनी का भाई, नहीं डरूं हो गरम कढ़ाई, फोरन घी में डुबकी खाऊं, पूरी गरम गरम खिलाऊं। मुझे पहचानो मैं कौन हूं? सही पहचाना बच्चों, ये है झारा। झारे का प्रयोग बच्चों कढ़ाई में से सामान को या चीज़ को निकालने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तेल में बनाई जाती हैं? जैसे समोसे, कचौरी, पकौड़े, पूरी, इन सब को कढ़ाई से बाहर निकालने के लिए हम झारे का प्रयोग करते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। काला काला सा निराला, पड़ता सबका मुझसे पाला, झटपट रोटी गरम कराऊं, नन्हे मुन्नों को खिलाऊं। पहचानो ये कौन है? सही पहचाना, ये है तवा। तवा आप सबने देखा होगा, तवा लोहे से बना होता है और उस पर हम रोटियां सेकते हैं। लोहे से मैं बनता हूँ, टुकड़े टुकड़े करता हूँ, मैं हूँ भैया बड़े काम का, सबके घर में रहता हूँ। पहचानो ये कौन है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये है चाकू। चाकू का प्रयोग हम फल और सब्जियों को काटने के लिए करते हैं, और चाकू सबके घरों में भी पाया जाता है। अगली पहेली देखते हैं। लकड़ी की मैं बनती हूँ, दही बिलोना मेरा काम, लस्सी मक्खन अलग करूँ मैं, उसके बाद करूँ आराम। तो बच्चों पहचानो ये कौन सा बर्तन है? सही पहचाना, ये है मथनी। मथनी बेटा लकड़ी से बनी हुई होती है और इसका प्रयोग दही और छाछ को मथने के लिए किया जाता है। अरे वाह, आप तो सभी बर्तनों को पहचानते हैं, आपने ये सब बर्तन अपने घर की रसोई में भी देखे होंगे। तो क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? इन सब बर्तनों की अपनी उत्तर पुस्तिका में एक सूची बनाइए। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि बर्तन किस चीज से बने होते हैं? बेटा बर्तनों को बनाने के लिए बहुत सारी धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा, स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, ये बहुत सारी धातुएं हैं
जिनको हम बर्तनों को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बर्तनों को बनाने के लिए ऐसी धातुओं का प्रयोग किया जाता है जो अधिक तापमान और गर्मी को सहन कर सकती हैं, ताकि उनमें भोजन को आसानी से पकाया जा सके। ये धातुएं हैं स्टील, लोहा, कांसा, तांबा और आजकल बच्चों कांच के बर्तनों का भी प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में जब इन धातुओं को नहीं खोजा गया था, तो क्या आपको पता है बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? बेटा, जब ये सारी धातुएं नहीं खोजी गई थी, उस समय मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, उन्हें बर्तनों का आकार दिया जाता है, उसके बाद उन्हें आग पर पकाया जाता है और फिर ये बर्तन खाना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बेटा पुराने ज़माने में बहुत सारे राजा महाराजा खाना खाने के लिए और खाना पकाने के लिए सोने और चांदी के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे, और मिट्टी के बर्तन और सोने चांदी के बर्तनों में बना हुआ खाना काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता था और बहुत से रोगों को नष्ट करता था। लेकिन जैसा आप जानते हैं, समय के साथ साथ बहुत बदलाव हो गया है और आजकल हम स्टील के बर्तनों का प्रयोग अधिक करते हैं। अगर हमें पुराने ज़माने के बर्तनों को देखना हो, तो हम किसी संग्रहालय में उन्हें आसानी से देख सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में धरोहर संग्रहालय में पुराने समय की बहुत सारी चीज़ों को सहेज कर रखा गया है, और वहाँ तो बच्चों बर्तनों का एक पूरा विभाग है, जिसमें हम तरह तरह के पुराने समय के बर्तनों को देख सकते हैं। कई राज्यों में बच्चों पेड़ के पत्तों आदि को भी बर्तनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे केरल में केले के पत्ते को थाली के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ इस चित्र में आप ये देख पा रहे हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और ये खाद का रूप ले लेते हैं। परंतु बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ साथ बहुत बदलाव आ गया है बर्तनों में, तो आजकल कुछ ऐसे बर्तनों का प्रयोग किया जाता है जो कि थर्माकोल या प्लास्टिक से बने होते हैं, और इन बर्तनों को एक बार प्रयोग करके फेंक दिया जाता है। लेकिन बच्चों, ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारे वातावरण को दूषित कर देते हैं। जब हम इन बर्तनों को एक बार प्रयोग के बाद फेंक देते हैं, तो ये जगह जगह कूड़े के ढेर बन जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, और जहाँ गंदगी फैलती है, वहीं बच्चों बीमारियाँ फैलती हैं, और बीमारियों के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार के बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। हमें प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बर्तन यूज़ करने के बाद फेंक देने से नष्ट नहीं होते। अगर हम इनको ज़मीन में दबा देते हैं, तो भी ये सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ साथ हमारी ज़मीन भी बंजर हो जाती है। इसलिए हमें प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि बर्तन किन किन धातुओं से बनाए जाते हैं और इनका कहां कहां और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। खाने और पकाने वाले बर्तन अलग अलग होते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि कौन कौन से बर्तनों का प्रयोग हम पकाने के लिए करते हैं और कौन कौन से बर्तनों का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। बच्चों, अब हम ये जानने के लिए कि कौन से बर्तन किस धातु के बने हुए हैं, एक गतिविधि करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ आपको एक तालिका दिखाई दे रही है, और इस तालिका में बाईं तरफ कुछ बर्तनों के नाम लिखे हुए हैं।
और बर्तनों के सामने कुछ धातुओं के नाम लिखे हैं, तो अब आपने पहचानना है कौन सा बर्तन किस धातु से बना हुआ है। जैसे पहला बर्तन है कढ़ाई। अब देखिए बच्चों, कढ़ाई कढ़ाई लोहे की भी बनी होती है, तो लोहे के नीचे टिक का निशान लगाइए। कढ़ाई पीतल की भी बनी होती है, तो पीतल के नीचे भी एक टिक का सही का निशान लगाइए। और कढ़ाई बेटा स्टील की भी बनी होती है, तो स्टील के नीचे भी सही का निशान लगाइए। लेकिन क्या आपने लकड़ी की कढ़ाई देखी है? नहीं, लकड़ी की कढ़ाई नहीं बनाई जाती, इसलिए लकड़ी के नीचे आप गलत का निशान लगा सकते हैं। हमारा दूसरा बर्तन है पतीला। पतीला बच्चों लोहे का भी होता है, पतीला बच्चों पीतल का भी होता है, और पतीला स्टील का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर घरों में पतीला पीतल और स्टील का ही बना होता है, इसलिए पतीले के सामने पीतल और स्टील वाले खाने में हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा तीसरा बर्तन है बच्चों बेलन। बेलन आप सबने देखा होगा, बेलन का प्रयोग रोटियों को बेलने के लिए किया जाता है। और बेलन किससे बना होता है? जी हाँ, बेलन बना होता है लकड़ी से, तो बेलन के सामने लकड़ी वाले खाने में हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला बर्तन है चकला। चकला भी आप सबने देखा है, चकला और बेलन ये साथ में प्रयोग किए जाते हैं, तो बच्चों चकला किस चीज़ से बना होता है? बिल्कुल सही, चकला भी लकड़ी से बना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आजकल बाजार में स्टील के चकले भी मिलते हैं, इसलिए चकले के सामने स्टील वाले खाने में और लकड़ी वाले खाने में हम सही का निशान लगाएंगे। अगला बर्तन है बच्चों तवा। तवा किस चीज़ से बना होता है? तवा बना होता है लोहे से, इसलिए तवे के सामने लोहे वाले खाने में सही का निशान लगाइए। अगला बर्तन है थाली। अब बच्चों थाली आपने देखी है, थाली किस किस धातु से बनी होती है? थाली बनी होती है पीतल से और स्टील से, तो थाली के सामने पीतल और स्टील वाले खाने में हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला बर्तन है बच्चों कटोरी। अब कटोरी कौन सी धातु से बनी होती है? कटोरी बनी होती है पीतल से और स्टील से, तो कटोरी के सामने भी हम पीतल और स्टील वाले खाने में सही का निशान लगाएंगे। बच्चों अगला बर्तन है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आप सबने देखा होगा, और प्रेशर कुकर में खाना बहुत ही जल्दी बनता है, तो प्रेशर कुकर किस धातु से बना होता है? प्रेशर कुकर बना होता है स्टील से, तो प्रेशर कुकर के सामने स्टील वाले खाने में हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला बर्तन है कड़छी। कड़छी बेटा कई प्रकार की होती है, कड़छी लोहे से भी बनी होती है, पीतल से भी बनी होती है, और कड़छी को बनाने के लिए स्टील का और लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, तो कड़छी के सामने लोहा पीतल स्टील और लकड़ी सभी खानों में हम सही का निशान लगाएंगे। अगला हमारा बर्तन है पलटा। पलटा भी बेटा लोहे का बना होता है, पीतल का भी बना होता है, स्टील का भी बना होता है, और लकड़ी का भी बना होता है, तो इस प्रकार ये सारे बर्तन अलग अलग धातुओं से बने होते हैं, और इनका प्रयोग खाना बनाने में, खाना परोसने में और खाना खाने में किया जाता है। तो देखा आपने, हमने इस पाठ से ढेर सारी जानकारी इकट्ठी की हैं। तो हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि बर्तन कौन कौन से होते हैं, खाना बनाने के लिए कौन से बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, और खाना खाने के लिए कौन से बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, और हमने ये भी जाना कि इन बर्तनों को बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं को उपयोग में लाया जाता है। बच्चों इस पाठ को पढ़कर आपको मज़ा आ रहा है ना? हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं,
और अब हम अपनी जानकारियों को और बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे उन चूल्हों के बारे में, विभिन्न प्रकार के चूल्हों के बारे में कि खाना बनाने के लिए कौन-कौन से चूल्हों का प्रयोग किया जाता है। चूल्हे तो बच्चे आपने देखे ही होंगे और उन चूल्हों को उपयोग होते हुए भी देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे चूल्हे भी हैं जो शायद आपने नहीं देखे होंगे, इसलिए उनके बारे में भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इन विभिन्न प्रकार के चूल्हों में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, क्या आपने ये चूल्हा देखा है? अवश्य देखा होगा। ये है मिट्टी का चूल्हा। मिट्टी के चूल्हों में लकड़ी, गोबर के उपले या फसली अवशेषों को जलाकर भोजन पकाया जाता है। बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि मिट्टी के चूल्हों में आग जलाने से बहुत सारा धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने में कठिनाई होती है और बहुत सारे लोगों को सांस संबंधी रोग भी हो जाते हैं। मिट्टी के चूल्हों पर भोजन पकाने से बर्तन भी काले पड़ जाते हैं। इन चूल्हों से भोजन पकाने पर आग चूल्हे से बाहर निकलती रहती है, जो कि बेकार चली जाती है। बच्चों, इस प्रकार के चूल्हे प्राचीन समय से ही प्रयोग होते आ रहे हैं और आजकल भी आप गांव में इस प्रकार के चूल्हों को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला चूल्हा। हाँ बच्चों, ये है अंगीठी। कई घरों में भोजन को पकाने के लिए अंगीठी का भी उपयोग किया जाता है। अंगीठी में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग होता है और कोयले के जलने से भी काफी धुआं निकलता है, जो वातावरण को प्रदूषित करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये धुआं अच्छा नहीं होता। हमारा अगला चूल्हा है बच्चों, स्टोव। ये मिट्टी के तेल से जलाया जाता है। आप अपने परिवार में बड़े लोगों से पूछना कि जब गैस का चूल्हा नहीं था तो किस प्रकार के चूल्हे पर खाना पकाया जाता था। उस समय लोग मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव का प्रयोग करते थे, जिसमें मिट्टी का तेल जलाकर भोजन पकाया जाता है। इससे धुआं तो नहीं निकलता और ना ही बर्तन काले पड़ते हैं। लेकिन बच्चों, इस प्रकार के चूल्हे का चलन अब कम हो गया है। तो चलिए अपना अगला चूल्हा देखते हैं। ये है बच्चों सोलर कुकर, और साथ में आप देख पा रहे हैं सूरज। ये सोलर कुकर सूरज की ऊर्जा से चलता है। आजकल सोलर कुकर से खाना बनाया जाता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश से दिन के समय भोजन पकाया भी जाता है और गर्म भी किया जाता है। सोलर कुकर से हम चावल, दाल, सब्जी बना सकते हैं। बच्चों, आजकल सूर्य की ऊर्जा अर्थात सूर्य की गर्मी से ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारा अगला चूल्हा है गैस सिलेंडर। सिलेंडर में गैस भरी होती है और हमारे भोजन को पकाने के लिए इस चूल्हे में गैस चलती है। गैस के चूल्हे में ईंधन कौन सा है? गैस के चूल्हे में ईंधन है सिलेंडर में भरी हुई गैस। बच्चों, क्या आप जानते हैं इस चूल्हे पर भोजन पकाने से किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता और ना ही बर्तन काले पड़ते हैं? भोजन पकाने के बाद हमें सदा सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए। अगर कभी सिलेंडर की गैस समाप्त हो जाए तो पता कीजिए कि आपकी माताजी कैसे खाना पकाएंगी। और अब हम जानते हैं कुछ और ईंधनों के बारे में। ये देखिए बच्चों, ये है बिजली से चलने वाला हीटर। इसमें ईंधन के रूप में बिजली का प्रयोग किया जाता है और इसको भी आपने शायद अपने आसपास कहीं प्रयोग होते हुए देखा हो। इस चूल्हे में एक तरह से तार लगी होती है जो बिजली के संपर्क में आने से गर्म हो जाती है और फिर उस पर हम खाना पका सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार के हीटर का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अब देखते हैं अपना अगला चूल्हा।
ये देखिए बच्चों, इसे कहते हैं इंडक्शन चूल्हा। ये भी बिजली से प्रयोग किया जाता है, इसमें भी ईंधन के रूप में बिजली का प्रयोग होता है और ये बड़ा सुविधाजनक होता है, इसलिए हम इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। इस चूल्हे में एक प्लेट होती है जो कि बिजली से गर्म हो जाती है और इस चूल्हे पर हम बर्तन रखकर इसमें खाना बना सकते हैं। इस प्रकार के चूल्हों का आजकल बहुत ज़्यादा चलन है बच्चों, और ये बड़े ही सुविधाजनक होते हैं। तो देखा बच्चों, हमने कितने सारे चूल्हों के बारे में पता किया और ये भी जान लिया कि इन चूल्हों में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। तो अब हम अपनी जानकारी को थोड़ा दोहराते हैं और देखते हैं कि अभी तक जो हमने जाना क्या वो हमें याद है। तो इसके लिए करते हैं हम एक गतिविधि। चलिए, यहाँ बच्चों एक तालिका दी हुई है और तालिका के दोनों ओर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये चित्र विभिन्न प्रकार के चूल्हों के हैं और तालिका में दिया गया है ईंधन। हमने इन चूल्हों को उसमें उपयोग होने वाले ईंधन से मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाईं तरफ सबसे ऊपर है मिट्टी का चूल्हा। जैसा कि बच्चों हमने अभी पढ़ा, मिट्टी के चूल्हे में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? सही कहा, मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का प्रयोग होता है। वैसे हम मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी और उपले दोनों को मिला सकते हैं। दाईं तरफ हमारा सबसे ऊपर चूल्हा है सोलर कुकर। बच्चों, सोलर कुकर के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि सोलर कुकर में सूरज की ऊर्जा को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसे हम किस ईंधन से मिलाएंगे? मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप। सही कहा बच्चों, सोलर कुकर का मिलान हम धूप से करेंगे। बाईं तरफ दूसरा चित्र है अंगीठी का। अंगीठी में उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी या उपले? अंगीठी में बच्चों कोयले का उपयोग होता है, तो अंगीठी का मिलान हम करेंगे कोयले से। दाईं तरफ दूसरा चित्र है बच्चों तेल के स्टोव का। तो स्टोव में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल, बिजली, गैस। सही कहा बच्चों, सबसे ऊपर मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल को हम स्टोव से मैच करेंगे, स्टोव से मिलान करेंगे। बाईं तरफ तीसरा चित्र है बच्चों गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर में ईंधन के रूप में प्रयोग होती है गैस, तो इसको हम गैस से मिलान करेंगे। दाईं तरफ बच्चों सबसे नीचे चित्र है बिजली के हीटर का। बिजली के हीटर में ईंधन के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है, तो हीटर का मिलान करेंगे हम बिजली से। और हो गई हमारी गतिविधि। तो देखा बच्चों, कौन कौन से चूल्हे में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है ना आसान? तो इस पाठ में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और बहुत सारे बर्तनों के प्रकारों के बारे में जाना, विभिन्न प्रकार की धातुओं के बारे में हमने जाना और हमने ये भी जान लिया कि कौन कौन से चूल्हे होते हैं और उनमें कौन कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस पाठ को करने में बहुत मज़ा आया। तो इस पाठ से मिली जानकारियाँ आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। धन्यवाद।